स्टूडेंट्स आज हम इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और उस कारण से क्या होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरोएथेन के एक मॉलिक्यूल की तो इस क्लोरोएथेन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इस सिंगल बॉन्ड में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि क्लोरीन एटम की तरफ पोलराइज हो जाता है और जिसको कि इस तरह के एरो के निशान के द्वारा शो किया गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के कारण जो क्लोरोएथेन का जो सी वन आइटम होता है यहाँ पे ये जो C1 वन कार्बन आइटम है इस कार्बन आइटम पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और इस आइटम पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ये क्या करता है C2 टू वन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, कर कर करता है जिसके कारण C2 टू वन बॉन्ड भी पोलराइज हो जाता है और C2 जो आइटम है उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस तरह से ए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव या ग्रुप्स की प्रेजेंस के कारण जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है उसमें इस तरह से डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे ही हम कह रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफ़ेक्ट के टाइप्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट इंगोल्ड की जो इंगोल्ड uh, का अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है एक तो होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि माइनस आई इफेक्ट भी कहा जाता है एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसे प्लस आई इफेक्ट भी कहा जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की जब किसी एटम या ग्रुप की जो uh, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो अगर यदि हाइड्रोजन आइटम की तुलना में ज़्यादा हो तो उसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है जैसे कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाले जो एटम्स या ग्रुप्स हैं वो हैं फेनिल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड Uh, और एल्डिहाइड ग्रुप्स ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि इस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं और यदि किसी एटम uh, यदि कोई एटम हेट्रो एटम हो या किसी ग्रुप में हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो वो भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा और वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उस हेट्रो एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के कारण uh, उसमें ये जो क्वालिटी है वो प्रेजेंट होती है अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट की जब एटम uh, या ग्रुप की इलेक्ट्रो एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो एफिशिएंसी uh, uh, होती है वो हाइड्रोजन एटम से भी कम हो लेस देन हाइड्रोजन एटम हो तो उसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि ड्यूटेरियम में पाया जाता है मैथिल uh, uh, ग्रुप एल्कि एल्किल मैथिल ग्रुप डाइल्किल मैथिल ग्रुप ट्राइल्किल मैथिल ग्रुप आदि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कि इस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है तो एल्किल ग्रुप्स का जो प्लस इफेक्ट होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी कैपेसिटी के कारण होता है इसी तरह से ड्यूटेरियम जो है उसमें ड्यूटेरियम जो होता है उसकी जो आ, एटोमिक रेडी होती है वो ज़्यादा होती है और इस कारण से वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट हाँगर, के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइब्रोज वो हाइब्रिडाइजेशन के कारण वो इफ़ेक्ट होता है तो यदि हम देखें तो एस पी जो हाइब्रिडाइज्ड ऐटम होता है वो एस पी टू और एस पी टू हाइब्रोड्राइज एस पी थ्री की तुलना में वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला होता है और नॉर्मल कंडीशन में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो स्टेबल होता है यहाँ पे हम कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है या हम कह सकते हैं इसको इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण uh, क्या होता है कुछ जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इफेक्ट होता है वो किस किस तरह का होता है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की इंडक्टिव इफेक्ट के कारण किसी भी कॉल एंड में डायपोलर नेचर प्रजेंट हो जाता है और ये जो डायपोलर नेचर होता है एक मॉलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए एल्किल हैलइट्स दिए गए हैं बहुत सारे इन एल्किल हैलाइट्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो हैलोजन के एक तरह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण या माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण उनका डायपोल मोमेंट इस तरह से इस ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसमें उपस्थित सब्टिटूंट के इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट पर डिपेंड करती है फॉर एग्जांपल एल्किल जो ग्रुप्स होते हैं उनमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्मिक एसिड से ब्यूटरिक एसिड तक के uh, तक के एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए तो हम हाँ, कम होती जाती है यहाँ पे देखिए कुछ एसिड्स दे दे दिए गए हैं फॉर्मिक एसिड से लेके यहाँ पे बिटेलिक एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ दी गई है और जो कि धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है क्योंकि पी के ए की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है और ये किस कारण से हो रहा है ये जो इनमें जो सब्सिटूंट्स प्रजेंट हैं उन सब्सिट्यूंट्स की इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हो रहा है जैसे कि फॉर्मिक एसिड देखिए तो फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन आइटम प्रजेंट है आ, इस, आ, यहाँ पे ये देखिए मेथेनोइ एसिड है इस मोथेनोइ एसिड में देखिए यहाँ पे ई सी ग्रुप का आ, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस पर पड़ रहा है और उस कारण से क्या होता है इसकी प्रोटोन डोनेट करने की जो कैपेसिटी हो रही है वो कम हो रही है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इसमें और भी ज़्यादा है तो प्रोटॉन डोनेट करने की इसकी कैपेसिटी और भी कम हो गई इस कारण से इसकी पैकिंग पी केए की, की, की वैल्यू बढ़ रही है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है यहाँ पे इसमें यह क्योंकि एल्कि प्रतिस्थापियों या एल्किट्रिय की संख्या और भी ज़्यादा है तो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी यहाँ पे इसकी और कम हो गई तो पी केए की, की वैल्यू बढ़ गई और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई इस तरह से हम देख सकते हैं कि हेलोजेंस के जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं उनके कारण भी एसिडिक एसिड से ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिडिक एसिड की बात करें तो उसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है यहाँ पे देखिए एसिडिक एसिडिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है फोर पॉइंट सेवन uh, वो uh, सबसे ज़्यादा है सॉरी सबसे कम है क्योंकि इसकी पी के की वैल्यू क्या है फोर पॉइंट सेवन सिक्स है लेकिन यदि इसमें हम एक आयोडाइड जोड़ दें uh, तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रो uh, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का नेचर है इसका कैसा इफेक्ट है प्लस माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब खींच रहा है उस कारण से क्या हो रहा है यहाँ से प्रोटोन आ, आसानी से रिलीज हो रहा है इस कारण से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है अब नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे देखिए जो हेलोजन हेलोजन एटम्स हैं उनकी उनका नेचर चेंज हो रहा है और यहाँ पे लास्ट वाले में हेलोजन एटम्स की संख्या सबसे ज़्यादा है तो इसका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये यह जो हाइड्रोजन आइटम है ये प्रोटोन के रूप में ईजीली रिलीज हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ा देगा अब हम बात करें करें स्ट्रेंथ और बेसिस की तो अमोनिया और जो टर्शरी uh, अमीन होता है उसकी हम बेसिक uh, स्ट्रेंथ को देखें तो उसको हम इंडक्टिव uh, इफेक्ट के आधार पर आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये जो बेस होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होती है नाइट्रोजन आइटम पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं इसलिए एल्किल समूह का जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है से एल्किल एमीन अमोनिया एक तरह से ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं क्यों क्योंकि जो एल्किल समूह होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है हम सभी जानते हैं उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिस कारण से नाइट्रोजन एटम पर क्या होता है इससे जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज उनकी संख्या वो ज़्यादा उसकी उपलब्धता को एक तरह से इंक्रीज कर देते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से जो बेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं वो एक तरह से उनमें उन उनमें इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो एफिशिएंसी है उनको ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे एक तरह से एल्किल समूह की प्रेजेंस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी का भी इसमें योगदान एक तरह से होता है और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो की ग्रहण करने वाली जो क्षमता होती है वो वो प्रोटोन के कारण प्रोटोन की कमी के कारण वो क्या होता है नाइट्रोजन के पास वो नहीं एक तरह से आ पाता है तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अमोनिया दिया गया है और फिर मैथिल अमीन डाई मैथिल अमीन और ट्राई मैथिल अमीन दिए गए हैं उनकी पी के वैल्यू यहाँ पे दी गई है अमोनिया का हम देखें तो अमोनिया की पी ए की वैल्यू फोर पॉइंट सेवन सिक्स है जबकि एल्किल एल्किल अम, अमीन की जो पी के की वैल्यू थ्री पॉइंट थ्री जीरो है तो एक तरह से यहाँ पे क्योंकि इसका प्लस आ, आई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेटिंग डोनेट करने का नेचर है यहाँ पे इस मेथिल ग्रुप का तो ये क्या कर रहा है नाइट्रोजन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को यहाँ पे ये यह बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की को एक तरह से इंक्रीज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं जिस कारण से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं लेकिन हम नीचे की तरफ़ तो जाए तो क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ने पर यहाँ पे ट्राई अल्किल ट्राई मैथिल एमीन में क्योंकि क्या होगा तीन तीन मैथिल समूह उपस्थित हो गए और स्टरिक एंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा मैथिल समूह के स्टरिक एंड्रेंस के कारण यहाँ पे इसकी बेसिक जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है एक तरह से यहाँ पे स्टेरिक एंड्रेंस इसमें यहाँ पे इस इंडक्टिव इफेक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा आ, आ, इसकी बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ को एक तरह से यहाँ पे हिंड्रेंस डिक्रीज कर देता है तो आ, एटम्स और ग्रुप्स का जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक तरह से एसिड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बेस की स्ट्रेंथ को कम करता है जबकि जो पॉजिटिव इंडक्टिव इस, इफेक्ट होता है उसका जो उसकी जो असर होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है अब हम बात कर हैं इफेक्ट ऑन लेंथ की तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कारण जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें आयनिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाती है और किसी भी एटम या समूह के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कारण जो न, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है जो कि इस तरह से इस एग्जाम्पल में यहाँ पे शो किया गया है अब हम बात करें फील्ड इफेक्ट की तो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ दूसरा एक इफेक्ट और भी होता है जिसे कि हम फील्ड इफेक्ट कहा जाता है ये इफेक्ट किसी भी कंपाउंड में उपस्थित बॉन्ड्स के कारण नहीं होता है बल्कि यह जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही एक मॉलिक्यूल में जो उसके आवेशित पोल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक uh, जो इंट्रक्शन होता है उसके कारण ये फील्ड इफेक्ट उत्पन्न होता है तो फील्ड इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल के जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करता है यहाँ पे देखिए दो तरह के कंपाउंड दिए गए हैं दोनों तरह के कंपाउंड्स में हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनमें फील्ड इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि आइसोमर ट्वेंटी जो होता है आइसोमर ट्वेंटी वन की तुलना में इनमें क्लोरीन एटम होता है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तुलना में ज़्यादा नज़दीक प्रेजेंट है जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेरिक एंट्रेंस के द्वारा वो कम हो जाती है इस कारण से जो कंपाउंड ट्वेंटी वन है वो उसकी एसिडिटी कंपाउंड ट्वेंटी से ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही एक दूसरे को हम इसको डिफरेंश डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को एक दूसरे को अलग अलग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए दोनों ही तरह के इफेक्ट को हम एक साथ लेके यहाँ पे उनकी स्टडी करते हैं